देश भर में नीट के एग्जामिनेशन को लेकर पैदा हुई कंट्रोवर्सी के बाद नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के जहन में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के डाउट्स हैं। हम उन्हीं बच्चों से जानते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के डाउट्स हैं और कैसे अपने आप को समझा रहे हैं। बेटा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या डाउट्स आए हैं, चूँकि जो शॉकिंग खबर आप लोगों को मिली उसके बाद क्या सोचते हो? सर, जो अभी नीट का हमारे साथ स्कैम हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? जो अभी 2024 के बच्चों के साथ हुआ है कि तो हमारे साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसके बहुत बड़ा डाउट है ये हमारे लिए। पेरेंट्स कुछ कहते हैं आप लोगों से उस कंट्रोवर्सी के बाद, क्या कहते हैं? पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन अब NTA ने ये स्कैम किया है तो सबको दुख हो रहा है, पेरेंट्स को भी और हमको भी। आपके घर में कभी सुगुगाट होती है इस चीज़ को लेकर कि इतना बड़ा स्कैम हो गया और बच्चों को हम नीट की तैयारी अभी भी करा दें? यस, होते हैं। आप बताइए, जहन में चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी कर दी हम लोगों ने नीट के लिए, और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे कि आप लोगों का कम से कम दिमाग में जो डाउट चल रहा है ना वो ना, सरकार से क्या चाहते हैं, एजेंसीज से क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा तो अभी कुछ नहीं, जैसे घर पर थोड़ा वो हुआ था इसके लिए कि अब नीट लेने में प्रॉब्लम तो नहीं कर दिए, क्योंकि नीट में भी इतना कुछ हो गया, और थोड़ा सेल्फिश रीज़न भी था कि जब हम लोग का टर्म आएगा, जैसे अभी तो हम लोग 11th में है, पर जब हम लोग का टर्म आएगा तो उस समय भी ऐसे ही रहेगा, मतलब हाल की थोड़ा चेंज होगा। बट हाँ, वो थोड़ा सा उसको जैसे अभी पकड़े जा रहे जो लोग, उस ये काफ़ी अच्छा काम हुआ उसमें, एंड जो रिफॉर्म्स अभी लाए जा रहे हैं वो करते हैं कि जब हम लोग का टर्म आए फिर अगला टर्म ही जो होगा वो काफ़ी अच्छा हो, आगे सब कुछ ठीक होगा आपको लगता है? हाँ, क्योंकि इस बार क्योंकि NTA को बहुत हम पब्लिक की तरफ से बहुत क्रिटिसाइज़ मिला है कि जिससे उम्मीद करते हैं कि हम लोग बारी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना किसी भी कोई बैच के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बराबरी मेहनत करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप? क्या इम्प्रूवमेंट? यही चाहते हैं कि कुछ लोग कुछ पैसों के लिए बच्चों की मेहनत ना बर्बाद कर दे दो से तीन तीन साल की। क्या चेंजेज होने चाहिए? सर, चेंजेस होने चाहिए, सर सबसे पहले तो थोड़ी बेटर सिक्योरिटी होनी चाहिए सर, उसके बाद इनके डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी हल्की सी ऑफ है, मतलब इनको री नीट की जगह एक बार री इवैल्यूएशन करना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ लोग फुल मार्क्स खरीद रहे हैं सर, बट अब वही दिक्कत है कि अब जिन बच्चों का पहले नीट अच्छा उस समय गया था सर, क्या वो वापस उतना ही अच्छा कर पाएंगे? ये हमेशा उनके मन में डाउट रहेगा, और सर अगर वो उनसे उतना अच्छा नहीं होता तो उनकी रैंक भी गिर जाएगी, हो सकता है उनको कॉलेज ना मिले, हो सकता है क्वालिफाई ना करें, तो सर इसलिए उनको सिक्योरिटी थोड़ी बेटर रखें। सिक्योरिटी लूप होल्स आपको कहाँ लगे, चूँकि आप लोग भी वॉच कर रहे होंगे चीज़ें जो हो रही है, कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे एजेंसी की बात या गवर्नमेंट की बात? लूप होल्स जैसे कि अभी पेपर लीक की हम लोगों ने न्यूज़ सुनी थी, और काफ़ी जगह से ये भी था कि पेपर लीक हुआ, और जो NTA ने बिना बताए ग्रेस मार्क्स दिए थे, NTA ने कहीं ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इस बार रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स दिए। प्रोसीजर का फेलियर मानते हैं आप? हाँ, प्रोसीजर में तो फेलियर है, ऐसा नहीं है, इस बार जो NTA ने लापरवाही की इसमें तो काफ़ी लोगों का इस बार नुकसान हुआ है, और काफ़ी जो होंगे जो जिनका 5th ड्रॉप होगा 6th ड्रॉप होगा मेजरली उनको इफेक्ट हुआ है, उनका साल बर्बाद हो गया। कहाँ फेलियर है? जैसे कि जो क्लैट का एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंग जो उसमें ग्रेस मार्क्स होने चाहिए थे जो क्लैट में थे वो नीट में दिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ में फेलियर है कि जो उन्होंने ये बात को क्लैरिफाई नहीं किया कि वो उन्होंने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिया। ग्रेस मार्क्स दिया है उसकी वजह से जो लोग थे जिनका AIR हमेशा 1 या जो रहता था, इस बार 67 बच्चों का 1 AIR 1 हो गया है, जिसकी वजह से एम्स में जो एडमिशन हो मोस्टली वो बच्चों का जो ड्रीम होता है वो नहीं अचीव कर पा रहे। सर, आप सबके गार्जियन हैं, सारी चीज़ों को देखते होंगे, क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए? केवल किसी डायरेक्टर को हटा देना या कुछ नए कानून बना देना, क्या इससे इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा? देखिए, नीट की प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा बायो स्ट्रीम में है और क्लास 11 में गया तभी से शुरू कर देता है, गवर्नमेंट को भी कुछ एजेंसी, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम लेने की एजेंसी बनाई, वैसे प्रिपरेशन के लिए एक एजेंसी प्रिपेयर करना चाहिए जो एक टारगेट सेट कर पाए, कम से कम बच्चा 2 सालों में 4 से 5 बार छोटे छोटे मॉक टेस्ट दे, और उस मॉक टेस्ट में उसको पता चले कि भाई हम इस लायक नहीं हैं, हम नहीं अच्छा कर पाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने 650 मार्क्स लाया आउट ऑफ 720, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, बच्चा केवल 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ रहा है, और पूरे
180 क्वेश्चन में, उसके बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिल रहा इतना सारा करने के बावजूद। तो अगर बच्चे को ये पहले से पता चल जाए कि मैं इसके लिए एफिशिएंट नहीं हूँ, तो फिर इतना सारा बच्चा अपना कैरियर, अपना टाइम, अपना एनर्जी वेस्ट ना करे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एटलीस्ट 2 ईयर का एक प्रॉपर प्लान करे कि क्लास 11th और 12th से ही बच्चा हर 6 महीने के बाद डिसाइड कर पाए कि मैं अब इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे वापस विड्रॉ लेना चाहिए और ऑप्शंस में जाना चाहिए। क्योंकि जो 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 20,000 बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, 24,80,000 बच्चों के सपने टूट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। आज जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम डिस्करेज करते हैं एटमोसफियर को, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्स का, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है और हम इसको जॉब से नहीं ले सकते, बिकॉज ये एकेडमिक प्रोफेशनल स्टडी करने के लिए एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बच्चों का MBBS करना, बच्चों का नीट करना, बच्चों का नीट के बाद आगे भी एक अपना नीट PG है, उसका भी पेपर भी कैंसिल हो गया, बच्चा हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। तो सबसे पहले सारी एजेंसीज़ को, इन सारे एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पहले सिक्योर करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। देखिए, मैं 20 सालों से कोचिंग दे रहा हूँ और लगभग मोस्ट ऑफ द कॉलेज में हमारे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक MBBS भी कर रहे हैं, PG भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 से 7 सालों में जो मिनिमम कट ऑफ था वो 580 से 610 तक गया, और अभी इस साल 610 से 655 चला गया। 45 नंबर का कट ऑफ अचानक से बदल जाना, ये केवल ग्रेस मार्किंग की वजह से नहीं हुआ, कुछ और भी लूप होल हैं जो कि हम बिना प्रमाण के नहीं कह सकते। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों को पहले सिक्योर करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है कि अब इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा बहुत डरा हुआ है। आज 670 मार्क्स लाने वाला बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फिर से, या मुझे वेट करना चाहिए कि काउंसलिंग में कुछ मिल जाएगा। 720 में 670 मार्क्स लाने वाला बच्चा लास्ट ईयर तक KGMC जैसे कॉलेज पाता था, आज वो सबसे नीचे वाले कॉलेज भी ना पाने के डर से परेशान है। 3-3 साल ड्रॉप लेने के बाद भी बच्चों की कंडीशन ये हो रही है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने सही स्ट्रीम चुना है या क्या। रिवर्ट बैक हो नहीं सकता, बच्चा कई सालों से तैयारी कर रहा है। तो फियर फैक्टर कैसे खत्म होगा, फिर क्या करना चाहिए? पहले तो ऐसी सारी एजेंसीज को आकर के सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ और भी अफवाहें उड़ रही हैं, जैसे पेपर का लीक हो जाना, इन सबको क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा पेपर लीक नहीं हुआ था, या हुआ था तो हम ऐसा एक्शन ले रहे हैं, आगे से ये नहीं होगा। मतलब बच्चा अगर महसूस करता है कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वहाँ मेहनत करके हम निकाल सकते हैं, उसको ये लगता है कि हम पढ़ाई करके निकाल सकते हैं, तो मेहनत करेगा, निकाल लेगा। लेकिन उसे अगर ये लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो वो फिर हमेशा हर डे उसको अनसक्सेसफुल महसूस होता रहेगा, लगेगा नहीं कि अपने गोल को अचीव कर रहा है, उसके अंदर एक डर बना रहेगा। तो सबसे पहले तो सारे इंस्टीट्यूशंस को एक इसका पैटर्न सेट करना पड़ेगा, और ऐसे सारे टीचर्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम जैसे टीचर काम करते हैं, उन लोगों को अगर गवर्नमेंट को लगता है तो उनके साथ एक मीटिंग करके, इनको एक क्लब करके, और एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं उनके साथ क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, पैनल में लेने की ज़रूरत है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया जो बच्चे बहुत ही मिडिल फैमिली के थे, लोअर मिडिल फैमिली के थे, प्रिपरेशन करके इतने अच्छे करियर में आगे बढ़े, एक अच्छा एक्सपीरियंस इन बच्चों के बीच में हम लोग का, तो ये सब हम लोग बैठ के बातचीत करके, और ये एक दिन का सोल्यूशन नहीं है, समय लगेगा, इसको बैठ के बात करना चाहिए, उस पर हमें एक लंबा अच्छा रिजल्ट लेना चाहिए, हमें लगता है ऐसा ही करना चाहिए। प्रयागराज में जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो उनके मेंटोर हैं, उनका ये कहना है कि जो घटनाएं घटी हैं नीट को लेकर के, उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि बच्चों का और उनके पेरेंट्स का इस पे भरोसा हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग चल रही हैं उनके जो अच्छे मेंटोर हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग्स होनी चाहिए, उनके भी कुछ आइडियाज़ होंगे वो भी लेने चाहिए, और एक मल्टी लेयर इसका जो सलूशन हो सकता है वो निकालना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर किसी तरह का फियर ना हो और इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट ना हो। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।